नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भी एक MI की LED में या किसी एंड्रॉयड बॉक्स में हम जो है हमारे सी प्लस कंपनी के कैमरे कैसे वॉच करेंगे। तो हम इंटरनेट के थ्रू जो LED को वाईफाई से जोड़ेंगे और उसमें फाइल लोड कैसे करेंगे, कैसे हम उसमें आगे का जो व्यू करेंगे कैमरे, वो हम आपको बताते हैं, देखते हैं आज हम। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक एंड्रॉयड बॉक्स है जिसमें हम जो है GCMOB नामक जो ऐप है प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमें MI की LED में जो है प्ले स्टोर में वो ऐप नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में एक मोबाइल में जो है APK फाइल जो है डाउनलोड करेंगे और पेन ड्राइव में जो है उसे ट्रांसफ़र करके LED में लगा के इंस्टॉल करेंगे। और वैसे तो प्ले स्टोर पर आपको मालूम है GCMOB HD ऐप जो है LED के लिए है, टैबलेट के लिए है, मतलब लैंडस्केप जो स्क्रीन है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो जिनकी होती है लैंडस्केप में, उसके लिए जो है ये ऐप होती है। तो हम जो है वो ऐप जो है लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड कर लेंगे। और भी ऐप्स हैं बट ध्यान रखिए हमें GCMOB HD ही ऐप डाउनलोड करनी है LCD में, LED में। तो राइट साइड आप देख रहे हैं हमारी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं अभी और भी कई ऐप्स हैं, बट हमें HD ही ऐप चाहिए। और किस तरह के इसके व्यूज़ हैं वो देखते हैं। और तब तक के लिए जो मोबाइल में जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे वो APK फ़ाइल हमारी, तो हमने पेन ड्राइव अपने मोबाइल में लगाई है और जो फाइल्स APK हैं वो हम जो है सारी सिलेक्ट करके अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे, मोबाइल से USB में ट्रांसफ़र करेंगे। और USB जो केबल है, फिर USB जो स्टोरेज है उसे हम LED में लगाएंगे। और LED में लगा के भी इंस्टॉल करेंगे, कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अभी ये मूव हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं हमारी ऐप जो है डाउनलोड हो चुकी है और इसे हम ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह का इसमें व्यू आता है, कुछ वही जो हिंट्स हैं सेम वैसा ही व्यू है बट ये लैंडस्केप है। और इसी तरीके से जो है हम जो है इसमें डिवाइस मैनेजर में जाके अपने जो है डिवाइस जो है ऐड करेंगे, आगे बताएंगे आपको MI की LED में कैसे हम ऐड करेंगे। और लेफ़्ट साइड पे हमने जो है पेन ड्राइव को इजेक्ट कर दिया है और उस पेन ड्राइव को लेके चलते हैं हम MI की LED में, आगे का व्यू कर वहीं दिया। दिखाते हैं। अब LCD पे जैसे पेन ड्राइव को लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास USB की ऑप्शन आ चुकी है और ये हमारी पेन ड्राइव है। तो आप देख रहे हैं पेन ड्राइव, तो हम क्या करेंगे, रिमोट से, माउस से तो क्लिक नहीं हो रहा है, रिमोट से अंकुर पे हमने ओके किया। पेन ड्राइव पे जो हमारी ऐप है उसे हमने इंस्टॉल किया, जैसे हम मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल इसमें करेंगे। हमने इसमें पहले से इंस्टॉल कर लिया है तब करके ये बता रहा है अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम आपको इंस्टॉल करके दिखा देते हैं, जैसे कि TV लॉन्चर, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करेंगे और पहली बार अगर इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप तो अननोन सोर्स का जो ऑप्शन आएगी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सेटिंग से। वो यहीं पे शॉर्टकट क्लिक करेंगे और फिर एक्सेप्ट की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो इस तरह से फिर जो है हम मोर में जाएंगे और उसके बाद गेट मोर ऐप्स में जो है हम एक, वैसे तो TV लॉन्चर हमें यहीं से डाउनलोड करना चाहिए, तो उसे हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं। तो और जो TV लॉन्चर टीवी है हमें यहीं लॉन्चर से डाउनलोड करना पड़ेगा जो जो कि इस LCD में काम करेगा। और वो लॉन्चर जो है हमारा सामने आ चुका है और उस पर हम माउस से क्लिक करेंगे और जो हमारा जो है हमने तो यहीं से इंस्टॉल किया है आप देख रहे हैं, और इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है इसमें जो हमारी ऐप्स हैं वो इस तरह से इसमें व्यू हो जाएंगी। और इस व्यू को हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशंस में चले जाएंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए हमारे को जो है अपने MI के रिमोट से क्लिक करना पड़ रहा है। ओके, तो हम रिमोट ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद जो है आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ऐप्स आ चुकी हैं, जैसे कि हम प्ले म्यूज़िक पे ऐड क्लिक करते हैं तो ये फेवरेट में ऐड हो चुका है और हमारे फेवरेट्स में जो है ये आ चुका है सामने। इस तरह से जो है हमने अपनी जो कैमरे की ऐप है वो हमने मेन्यू में फेवरेट्स में ऐड करके जो है इस तरह से हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो वैसे जो है यहाँ पे सामने नहीं आती है, तो हमें जाना कहाँ है, मोर में गए, उसके बाद जो TV लॉन्चर हमने डाउनलोड किया था
उसे ओपन किया तो हमारी जो एप्स एक्स्ट्रा एप्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। आप देख रहे हैं हमारी सीपी प्लस की जो कैमरे की ऐप है वो हमने ओपन कर ली है, और यहाँ पे हमने कुछ डिवाइसेस भी ऐड करके रखे हैं, जिस तरह से मोबाइल पे ऐड करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड करेंगे डिवाइस। तो आगे हम बताएंगे आपको कैसे ऐड करते हैं, फ़िलहाल के लिए इसमें हम कैमरे किस तरीके से चलते हैं वो आपको बता देते हैं। हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है या फर्स्ट टाइम अगर हम कैमरे चलाएंगे तो टाइम लेता है कॉन्फ़िगरेशन आने में। तो आप देख रहे हैं कैमरे हमारे चल रहे हैं, और कैमरे जो चल रहे हैं उनकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम कैमरे को जो है बड़ा कर लेते हैं डबल ले करके, माउस इसमें चलेगा एलसीडी में, रिमोट से कोई भी ऐप जो है सही ढंग से काम नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज का बटन भी है, जिसमें हम लो क्वालिटी हाई क्वालिटी उनकी मेन स्ट्रीम और एक्स्ट्रा स्ट्रीम में भी जो है स्विच कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम में तो अभी चल नहीं रहे तो हम इसको एक्स्ट्रा ही भी रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है। लेकिन दूसरी एलसीडी या दूसरे बॉक्स में हम आपको बताएंगे, फ़िलहाल के लिए अभी हम एक्स्ट्रा ही रहने देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरे जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं एक्स्ट्रा स्ट्रीम पे। और हम बता दें आपको भी एमआई की एलईडी में भी जो 16 कैमरे हैं एट ए टाइम बिल्कुल सही चलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं बिना हैंग किए हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर आपको हमारी जो ये वीडियोस आगे भी तो ऐसे आपको पसंद बता आएंगी। देते हैं तो इसमें कैसे डिवाइस हमने ऐड किया है। तो पहले हम मेन्यू में गए, तो डिवाइस मैनेजर में गए, और यहाँ पे हमने जो है ऐड डिवाइस पे क्लिक किया। फिर वही सेम तरीका जैसे मोबाइल पे करते हैं, यहाँ पे हमने जो है इंस्टॉल ऑन डिवाइस पे क्लिक किया, और नेम में जो है हम अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे अपना जो डिवाइस ऐड किया, नाम लिख दिया पहले उसमें, और उसके बाद उसका सीरियल नंबर डाल दिया। ठीक है जी, इस तरह से हमने जो अब यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डाला, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वालिटी हमने एक्स्ट्रा ही रहने थी, और इसे हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह से जो हम अपने डिवाइस को यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं वो भी कर सकते हैं जिस तरह से मोबाइल में करते हैं, और इसी तरह से हम एडिट करके दोबारा इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और फिर जो है हम यहाँ पे लाइव व्यू में लाइव, प्लेबैक में प्लेबैक, सेम जैसे हम मोबाइल पे चलाते हैं सेम वही सारे फंक्शन चलेंगे। और हम आपको बता दें भी इसमें जो है जैसे हम लाइव में गए तो हम एक टाइम में मतलब जो है मैक्सिमम 16 कैमरे तक जो है हम इसमें व्यू कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हम 16 कैमरे जो है व्यू कर सकते हैं। शायद मैंने प्लेबैक में क्लिक किया तो प्लेबैक भी हम 16 कैमरे का कर सकते हैं। तो लाइव भी हम जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से व्यू हैं, 4, 6, 9 और 16। तो इस तरह से इसमें जो है हम इतने कैमरे जो है एक टाइम पे खोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो है अगर 16 कैमरे ओपन करना है, तो जैसे आपने यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक किया तो 12 कैमरे इस डिवाइस में हैं। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे 16 का जो व्यू है, इस तरह से करके हम जो है मैक्सिमम अलग अलग लोकेशन के कैमरे भी इकट्ठे देख सकते हैं। जितने हम यहाँ पे डिवाइस ऐड करेंगे उनको हम, जैसे हमने यहाँ पे इस डिवाइस के हमें सभी नहीं देखने हैं, मान लो 2-3 ही देखने हैं, तो यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे और इस टिक को हटा देंगे। फिर हमें जो है 2 कैमरे इसके देखने हैं, या एक देखना है यहाँ दूसरे डिवाइस के, एक ये देखना है, तो इस तरह से सिर्फ 2 ही कैमरे हमारे को दिखाई देंगे। इस तरह से हम मल्टीपल लोकेशन के कैमरे जो है एक ही स्क्रीन पे इकट्ठे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा हमारा चल रहा है। अगर इसमें एक बटन इन्होंने दिया हुआ है 60 सेकंड का, जो कि हमने सेटिंग से सेकंड बढ़ाए हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे को ये रियल टाइम प्लेबैक दे रहता है पिछले 60 सेकंड का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 60 सेकंड का जो है हमारा प्लेबैक जो है यहाँ पे चल पा रहा है। तो इस तरीके से हम प्लेबैक भी यहीं पे ही देख सकते हैं। अगर हम क्लिक हटा देते हैं तो हमारा जो ये देखो टाइम बता रहा है 2:48, यानी कि इसमें पिछले 1 मिनट की जो है रिकॉर्डिंग हमें दिखा रहा था।
तो इस तरह से इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है यहाँ पे, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं।